अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हसन भट्ट है, मैं यहाँ जिरमिस का रहने वाला हूँ सर। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट एक काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज जो इसमें वलोर में जो काम हुआ है, वो सबसे पहले हम थैंकफुल है इरफान साहब का, जो इसका कोऑर्डिनेटर है इरफान रसूल साहब, उसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उसने यहाँ पे एक गजीबो बनाया है, घाट नंबर 2 इसको बोलता है, जहाँ पर अभी हम हैं इसको घाट नंबर 2 बोलता है। तो इस इधर एक इन्होंने एक गजीबो बनाया है। अभी बहुत ही यहाँ के जो विजिटर आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, मतलब लोकल भी आए, नॉन लोकल भी आए, तो बहुत अच्छा लगा है। हमको भी बहुत अच्छा लगा है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग, इनको भी एक रोजगार मतलब मिला है, चाहे किश्ती के जरिए इनको रोजगार मिला है, चाहे कुछ लोगों ने इधर ठेले लगाए हैं उनको भी एक रोजगार मिला है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक कदम है, ताकि ये जो इधर का जो लोग हैं उनका एक जो बेरोजगारी है वो मुझे लगता है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट साथ साथ करना चाहता हूँ, यहाँ का जो रोड का फैसिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ से घाट नंबर 1 से जब हम आता है, जो जनगेर के लोग आता है या सोपोर के लोग या श्रीनगर के लोग आता है, वो वहीं से आता है घाट नंबर 1 से, जिसको मतलब घाट बोलता है उसको हमने नाम रखा है घाट नंबर 1। उनको वहाँ से यहाँ तक किश्त पर आना पड़ता है, उनको हमने पर हेड को 100 रुपये हमने उनको बताया है। जो यहाँ घाट नंबर 2 पे यहाँ से वहाँ तक जाता है उसको 10 रुपया लगता है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस कम है। तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, और कुछ नया कुछ जो भी कुछ हो जिससे अट्रैक्ट हो जाएंगे टूरिस्ट या इधर का जो लोकल टूरिस्ट या पर्यटक बाहर से भी जो आता है, और मतलब उनको अच्छा लगे, कुछ अच्छा इनिशिएटिव उठाना चाहिए, और कुछ इधर बनना चाहिए, चाहे गजीबो के अभी इन्होंने गजीबो बनाया ये भी अच्छा है, और कुछ बनना चाहिए, यहाँ कैफेटेरिया बनना चाहिए, ताकि उनको खाने पीने का फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो वकमा का हम जो यहाँ के लोग और हम भी वकमा का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने एक मतलब अच्छा सेटअप उठाया वलोर झील की तरफ, पहली तवाई जो नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 सालों में इसमें काम भी अच्छा शदमद से जारी है, अभी अच्छा चल रहा है इसका काम। मुझे उम्मीद है हम इंशाल्लाह हम उनके एक उम्मीद से एक उम्मीद रखा है उनके ऊपर हम, मुझे लगता है वो और अच्छा करेंगे इधर, ताकि यहाँ के लोगों को एक रोज़गार भी मिल जाएंगे, और यहाँ की जो डेवलपमेंट उसका भी एक अच्छा एक रौनक आ जाएंगे वलोर का। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुलसुम परवेज फ्रॉम एक्सेप्शनल माइंड सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर स्पेशल एबिलिटीज लोकेटेड इन पेमना श्रीनगर जेल की। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्सेप्शनल माइंड पेमना श्रीनगर में ही लोकेट है, जैसे हम ऑटिज्म बच्चों, जो भी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो भी बच्चे हैं, चाहे सी पी है, चाहे ADHD है, चाहे डाउन है, डिले माइंड स्टोन है, चाहे स्पेसिफिक लर्निंग सेंटर, हम इनके साथ डील करते हैं। हम इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड, जो फैसिलिटीज हमने रखी है यहाँ पे, ऑपरेशन थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज और रिप्लेसमेंट थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, या स्पेशल एजुकेशन की बात की जाए, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है, तो हम ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशल बच्चों को। तो आप जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि मैं भी एक प्राउडली बताती हूँ हमेशा कि मैं भी एक मदर ही हूँ स्पेशल बच्चे की, जो ये एक्सेप्शनल माइंड हम रन कर रहे हैं बच्चों की वेलफेयर के लिए। तो देखिए, जो मेरी जर्नी है ये बहुत एक लंबी है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो काफी साल लग सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही बता रही हूँ कि मैं अवेयर कर रही हूँ लोगों को कि हमारे यहाँ इन बच्चों का स्पेशल सेंटर बोला या स्पेशल स्कूल बोलेंगे, तो जो भी हमारे पास प्रोफेशनल्स है, जो भी सारे के सारे RCI प्रोफेशनल्स है, RCI लाइसेंस प्रोफेशनल्स जो इन बच्चों के साथ डील करते हैं। तो आपको जो भी क्वेरी हो, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, हमारे में आपको कॉन्टेक्ट दूंगी स्क्रीन पे, तो उस पर आप कॉल कर सकते हो, उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं 9541852512। तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, उस पर हमारे आपको